फ्रेंड्स स्वागत करते हैं ईवीएस समाधान के एक और लेक्चर में आज भी का, और जो हमारे चल रहा था सेमेस्टर फर्स्ट और फर्स्ट सेमेस्टर के बाद के पेपर फर्स्ट और पेपर फर्स्ट की हमारी यूनिट नंबर 5 जो हमारी द्रव स्टेट लिक्विड स्टेट से रिलेटेड थी, द्रव अवस्था से रिलेटेड। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है द्रवों का की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड्स की बात करेंगे, जिसके अंतर्गत हमारे पास क्या आने वाली है, दो सिद्धांत आएंगे। एक तो आएगा आयरन का सिद्धांत, एक क्या आएगा बर्नेल स्कोट का सिद्धांत, या द्रव में अव्यवस्था आएगी। देखिए आयरन क्या थे, आयरन नामक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या कहा, 1933 की बात ही है। आयरन नामक वैज्ञानिक आते वो कहते हैं जो द्रव होता है ना द्रव, वो उनकी जो व्यवस्था होती है, जो स्ट्रक्चर संरचना होती है वो गैस के समान होती है। उन्हें पहले क्या बताया, उन्हें पहले बताया जो द्रव की जो संरचना है इसके समान होती है गैसों के समान। उसने उन्होंने कहा कि जो द्रव की जो भी संरचना होती है वो होती है गैसों के समान होती है। अब इनके मॉडल को या इनके सिद्धांत के डायग्राम के द्वारा समझते हैं, ठीक है। ये कोई भी पात्र है जिसके अंतर्गत ये कोई द्रव के कण है, इस प्रकार से, ठीक है। ये क्या क्या है, द्रव के कण है। ये क्या है, वाष्प, ठीक है। और इनके मध्य ये क्या है, रिक्त स्थान। ठीक है, ये क्या है, रिक्त स्थान है। अब देखिए जो द्रव है ना द्रव, आयरन ने क्या कहा, जो द्रव के मध्य जो भी रिक्त स्थान होते हैं ना, रिक्त स्थान, उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं मुक्त आयन। जो भी द्रव के मध्य जो भी रिक्त स्थान होगा उनको क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा मुक्त आयन कहा जाता है, ठीक है। अब रिक्त स्थान को हम क्या कहेंगे, मुक्त आयन। अब देखिए जैसे हम ताप को इंक्रीज करते हैं, ताप को जैसे हम बढ़ाते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ से, जैसे हम ताप को बढ़ाएंगे ना वैसे क्या बढ़ेगी, वाष्प की मात्रा बढ़ेगी, ठीक है। रिक्त स्थान यथा मुक्त आयन बढ़ेगा, परंतु जो द्रव है ना, द्रव की मात्रा है, कुल आयतन है द्रव की मात्रा, वो कम होने वाली है। जैसे ही हम क्या बढ़ा देते हैं, ताप को इंक्रीज कर देंगे, वैसे ही वाष्प की मात्रा बढ़ेगी, इनके मध्य जो मुक्त आयन है उनकी उनकी संख्या बढ़ेगी, उनकी मात्रा बढ़ेगी, परंतु द्रव की मात्रा घटेगी। साथ में हम कह सकते हैं कि जो वाष्प का घनत्व बढ़ेगा, मुक्त आयन का घनत्व बढ़ेगा, परंतु जो द्रव का घनत्व है वो क्या होने वाला है, कम होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना तीसरा पॉइंट। चौथे की बात करते हैं हम, जैसे हम बात करते हैं ना इनके सामान्य दाब व सामान्य ताप की बात करते हैं, क्या करते हैं, जब हम सामान्य दाब व सामान्य ताप की बात करते हैं कोई भी द्रव में, तो जो द्रव का कुल आयतन होता है ना उसके 3% में क्या होता है, मुक्त आयन होता है, फ्री वॉल्यूम होता है, क्या होता है, मुक्त आयन होता है। उसके क्या होता है, जो सामान्य दाब सामान्य ताप की बात करोगे तो उसके कुल आयतन में कितने होंगे, 3% वो क्या होते हैं, मुक्त आयन होते हैं। और पॉइंट रह चुका है आयरन सिद्धांत के अंदर, जिसके अगले हम पॉइंट की अगर बात करोगे, देखिए जब हम बात करते हैं ना मुक्त आयनों की, मैंने मुक्त आयन की जब बात की थी, तो
फिर मुक्त आयतन ही सॉरी ये अव्यवस्थित होता है। ये क्या होता है? अव्यवस्थित होता है। इनकी कोई भी किसी भी प्रकार की व्यवस्था स्थित नहीं होती, स्थिति निश्चित नहीं होती कि थोड़ी देर के यहाँ पर है फिर यहाँ पर नहीं। ये सभी सभी क्या होते हैं? सभी दिशाओं में संभव होते हैं पात्र की, और सभी क्या होते हैं? अव्यवस्थित होते हैं। ठीक है, आगे हम जो बात करेंगे इसी के अंदर आता है रेखीय व्यास का नियम। क्या आता है? रेखीय व्यास का नियम आता है। रेखीय व्यास का नियम क्या होता है? जब हम बात करते हैं साम्य अवस्था की, जब हम साम्य अवस्था की बात करते हैं ना, तो द्रव वाष्प द्रव और जो वाष्प है ना, वो एक नियतांक पी एवरेज के रूप में होना चाहिए। जब आप बात करोगे साम्य अवस्था की, तब द्रव वाष्प का जो घनत्व है ना, वो पी एवरेज रूप में होना चाहिए। परंतु होता क्या है, वास्तव रूप में देखोगे तो ये थोड़ा सा क्या होता है, कम होता है। क्या होता है? ये थोड़ा सा कम होता है। जहां पर पी एवरेज में ये दोनों नियतांक है, इस तरह के पी एवरेज में ये दोनों के दोनों क्या है, यहाँ पर एक नियतांक है। इसको पुनः देख लेते हैं। रेखीय व्यास के नियम के अनुसार जब किसी साम्य अवस्था की बात करोगे, द्रव वाष्प का जो घनत्व है एक नियतांक पी एवरेज ग्रुप में होना चाहिए। परंतु क्या होता है, उत्तर से कुछ कम है। जहां पर पी एवरेज पे ए दोनों नियतांक के रूप में है। इसको जो परिभाषित किया था वो कैलिलेट एवं मैथियास ने परिभाषित किया। किसने? कैलिलेट और मैथियास ने परिभाषित किया था। और इसी कारण से क्या बोलते हैं, रेखीय व्यास का नियम कहते हैं। रेखीय रूप से कुछ कम होता है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, रेखीय व्यास का इसको नियम कहते हैं। दूसरी हम बात करते हैं द्रव की उष्माधारिता का। ये सूत्र है जिसको किसने, आयरिंग वे री ने दिया था। आयरिंग किसने किसने दिया था? सिर्फ आयरिंग ने नहीं दिया था, आयरिंग वे री ने दिया था। द्रव की उष्माधारिता से संबंधित नियम, जहां पर अगर वी करें वी एस, और जब हम वी की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, वी एस, और जब वी की बात करोगे आप, तो ये क्या है, हमारे पास मोलर आयतन है। मोलर आयतन है क्या है हमारे पास, ये मोलर आयतन है। मोलर आयतन ये किसका है, अगर इसकी बात करोगे ये तो द्रव का है, ये क्या है हमारे पास, ठोस का मोलर आयतन है। ठीक है, तो एक बार इतना आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बात करेंगे अपने अगले टॉपिक की। बात करेंगे बंडल में स्कोट के सिद्धांत के, द्रव व्यवस्था ये बात करने वाले। देखिए इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं कि जब किसी ठोस को हम किसके अंदर चेंज करते हैं, द्रव के अंदर चेंज करते हैं। अब देखिए जब हम किसी ठोस को द्रव में जब चेंज कर देते हैं या बदलते हैं, तो उसको क्या करते हैं, उसको बोलने करना पड़ता है, उसको गलाना पड़ता है, उसे गला करना पड़ता है। तो यहां से इसका क्या होगा, गलनांक। जब किसी ठोस का हम गलनांक द्वारा उसका गला कर देते हैं या उसको गला देते हैं या उसको क्या कर देते हैं, द्रव में परिवर्तन कर देते हैं, तो इनका क्या होगा, एक गलनांक बिंदु होगा यहां पर एक। ठीक है, क्या होगा, जहां पर क्या होगा, यहां पर क्या होगा, एक गलनांक बिंदु होगा। जिसके गलनांक अगर बिंदु की आप बात करोगे, उस बिंदु की अगर बात करो जहां पर ठोस व द्रव की जो व्यवस्था है, अवस्था है, उसमें क्या होगी, मुक्त ऊर्जा शून्य होगी। मुक्त ऊर्जा क्या होगी, शून्य, अर्थात डेल्टा जी बराबर क्या हो जाएगा, वहां पर जीरो हो जाएगा। एक बार पुनः देख लीजिए, हम क्या करते हैं, इस सिद्धांत के अनुसार हमें ठोस को द्रव में परिवर्तन करते हैं। ठोस में परिवर्तन करने के लिए उसका हमें बॉइलिंग पॉइंट गलनांक करना पड़ता है,
और ठोस व द्रव के मध्य उसका एक गलनांक बिंदु होता है, जहाँ पर ठोस व द्रव अवस्था की जो मुक्त ऊर्जा है वो डेल्टा जी द्रव की होती है, शून्य होती है। अगर इसमें वैल्यू पुट करोगे तो यह इस प्रकार से आ जाएगा। इसको सही से और लिख लेते हैं, यह आ जाता है कुछ इस प्रकार। इसको और सही से लिख लेते हैं, ठीक है। यहां पर क्या है, ये जो है वो है एंट्रोपी। एस क्या है एंट्रोपी, ये क्या है यहां पर एंथैल्पी है, एंथैल्पी एंथैल्पी, ये एंट्रोपी है। एस यहां पर क्या है एंथैल्पी, ठीक है। अब जब यहाँ पर हम इसकी संरचना की ओर थोड़ा चलते हैं, उनको भी देखेंगे। जब आप संरचना की तरफ चलते हैं ना, देखो ठोस की जो संरचना है ना वो होती है व्यवस्थित रूप से दिखाई दे रही होगी। दर की द्रव की अगर आप बात करोगे ठोस के मुकाबले, द्रव की जो व्यवस्था है थोड़ी सी अव्यवस्थित है, और गैसों की जो व्यवस्था है ही नहीं, या पूर्णतः अव्यवस्थित ही है, ठीक है। क्या ही पूर्णतः अव्यवस्थित ही है। जब इसके अंदर हम बात करते हो, एच एल क्या है यहाँ पर, द्रव की एंथैल्पी है। एच एस क्या है कि ठोस की एंथैल्पी है। एस एल क्या है यहाँ पर, एंट्रोपी किसी द्रव की, और एस एस क्या है किसी ठोस की एंट्रोपी है, ठीक है। जब कोई भी अवस्था के अंदर जब क्या होता है, व्यवस्थित होता है, क्या होता है व्यवस्थित किसी के अंदर दिखाई दे रहा है, वहां पर एंट्रोपी क्या होती है, वहां एंट्रोपी होती है कम, ठीक है। अगर कहीं अव्यवस्थित है तो वहां पर एंट्रोपी क्या हो जाती है, अधिक। जब हमारा जो चैप्टर क्या है वो द्रव से रिलेट है, जब हम द्रव की बात करते हैं, द्रव के कण क्या है अव्यवस्थित है, द्रव के कण क्या है अव्यवस्थित है, तो उसके कारण उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती है, उसके मान बढ़ जाता है, उसका मान अधिक हो जाता है, उसका क्या हो जाता है एंट्रोपी का मान अधिक हो जाता है। तो ये जो एंट्रोपी की जो वैल्यू है वो और अधिक हो जाती है। अब हम बात करते हैं इस बर्नेल्स कोड के सिद्धांत की बात करोगे, इसी चित्र से समझने का, डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं। ये कोई ठोस है, ये ठोस में कोई कण है, ठीक है। और ये क्या होता है, टोटल छह कण के द्वारा घिरा है, और ये क्या है व्यवस्थित है। ठोस में द्रव की बात करूंगा, जबकि इसमें देखिए ये पांच कण के द्वारा घिरा है, और ये क्या है अव्यवस्थित है, ठीक है। ठोस व्यवस्थित है, द्रव अव्यवस्थित है, और ये बनाता है बहुफलकीय संरचना। ये क्या बनाता है, बहुफलकीय संरचना बनाता है, जो होती है पंचभुजीय। और जब ये हम ठोस की बात करते हो, ठोस क्या बनाता है व्यवस्थित होता है, तो ये अष्टफलकीय, अष्टफलकीय संरचना द्वारा निर्माण करता है, और क्या रहता है छह अणुओं के द्वारा घेरा रहता है। इसकी और बात करोगे, जब इसकी हम पैकेजिंग की बात करें, तो पैकेजिंग के अंदर ये क्या है अव्यवस्थित तो है, पैकेजिंग के अंतर्गत ये अव्यवस्थित है, तो इस अव्यवस्थित के कारण ये क्या क्या होते हैं, कुछ ढीले होते हैं, क्या होते हैं ये ढीले होते हैं। परंतु जब इसकी बात करोगे, आप ठोस अवस्थाओं की बात करोगे, इसके पैकेजिंग के अंदर क्या होता है, ये व्यवस्थित होते हैं, जिसके कारण ये मजबूत होते हैं। ये क्रिस्टलीय ठोस की एंट्रोपी ठीक है ग्रेटर देन होगी द्रव की एंट्रोपी से,
सॉरी ग्रेटर देन होगी, सॉरी फिर गैसों की एंट्रोपी, गैसों की एंट्रोपी। ठीक है, ये सारी सारी क्या है, अव्यवस्था है, ये भी अव्यवस्था है, या उसको अव्यवस्था कहेंगे, ये भी अव्यवस्था है और ये भी अव्यवस्था है। जब आपसे पूछ लिया जाए तो किसके लिए ठोस द्रव की एंट्रोपी और गैसों एंट्रोपी पूछे जाए, सबसे ज्यादा एंट्रोपी किसकी होगी, गैस की होगी, उससे ज्यादा किसकी होगी द्रव की होगी, उससे ज्यादा किसकी होगी, किसके लिए ठोसों की एंट्रोपी होने वाली है। तो एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम अगले वाले टॉपिक को कवर करते हैं। देखिए अब जो आगे हम बात करेंगे, और बात करेंगे द्रव की संरचना या स्ट्रक्चर ऑफ लिक्विड वाटर। अब इसमें क्या बात करते हैं कि जैसे पहले क्रिस्टलीय ठोस थे, क्या थे, क्रिस्टलीय ठोस, समझना, क्रिस्टलीय ठोस थे और एक थी पाउडर विधि और एक था एक्स किरणों का विवर्तन। अब सर्वप्रथम क्या हुआ, जब क्रिस्टलीय ठोस है ना, क्रिस्टलीय ठोस पर पाउडर विधि का प्रयोग करके एस किरणों का हमने विवर्तन करवाया, एस किरणों का विवर्तन करवाने पर हमें क्या हुआ, स्पेक्ट्रोग्राफ जो मिला वो कैसा मिला, हमें सतत मिला। ठीक, इस बात को समझिए, पहले को क्रिस्टलीय ठोस था, पाउडर विधि का प्रयोग कर हमने एस किरणों का विवर्तन करवाया, जो स्पेक्ट्रोग्राफ था सतत मिला। परंतु जब हम क्रिस्टलीय ठोस की जगह हम क्या लेके आ जाते हैं, द्रव ले जाते हैं, तो द्रव पर जो पाउडर विधि का प्रयोग करवाया और एक्स किरणों का विवर्तन करवाया, तो स्पेक्ट्रोग्राफ में स्पेक्ट्रोग्राफ क्या हुआ, हमें असतत प्राप्त हुआ, मतलब इसमें उच्चतम शिखर वे निम्नतम शिखर मिले, उच्चतम बिंदु में निम्नतम बिंदु इसके अंतर्गत हमें मिले। ठीक, इसको किसने परिभाषित किया था, मॉर्गन वॉरेन ने परिभाषित किया था, क्या किसने परिभाषित किया, मॉर्गन वे और वॉरेन ने परिभाषित किया था, अर्थात के तो स्पेक्ट्रोग्राफ अव्यवस्थित था, स्पेक्ट्रोग्राफ क्या था यहाँ पर, अव्यवस्थित था। जब मॉर्गन वे वॉरेन ने एक्स किरणों का विवर्तन करवाया द्रव की सतह पर, तो जो उच्चतम शिखर बिंदु था, अधिकतम मान था 1.5 डिग्री सेल्सियस पर, वो 2.88 एमएसटॉ मिला, जबकि ताप जब हमने 3 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा बढ़ा दिया फिर भी कोई मान में ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है, थोड़ा ही अधिक परिवर्तन आता है। ठीक है, कितना आता है, थोड़ा ही अधिक परिवर्तन आता है। अब देखते हैं, जब कोई बर्फ है, देखिए बर्फ का हमें पता है कि ये जो ठोस अवस्था में होता है जल, उसमें क्या होता है, जैसे चार कण है जल के अणु के, वो उसको घेरे हुए रखते हैं, चार अणु कुछ घेरे हुए रखते हैं, परंतु जब हम इसको किसमें बदलते हैं, जल के अंदर परिवर्तन करते हैं, तो कोई निश्चित नहीं है, हो सकता है ये चार अणु से भी घेरा हो सकता है, पांच से भी घिरा सकता है, या चार से पांच अणुओं की मध्य घिरा सकता है। ठीक है, जल का जो अणु है वो एक जो अणु है वो हो सकता है चार बिंदु चार अणुओं से घिरा सकता है, अन्य या पांच अणुओं से भी घिरा सकता है, ये किस पर निर्भर करता है, ये निर्भर करता है अपने स्पेक्ट्रोग्राफ है ना, स्पेक्ट्रोग्राफ के शिखर में कितना मान हमें मान प्राप्त हो उस पर निर्भर करता है। ठीक है, शिखर मान जितने में अधिक प्राप्त होंगे उन पर निर्भर ये करता है। जब आप बर्फ की जगह बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बर्फ की, बर्फ की संरचना होती है चतुष्फल की, कैसी संरचना होती है, चतुष्फल की होती है। जब बर्फ से वो जल में परिवर्तन होगा तो ये चतुष्फल संरचना क्या होगी, थोड़ी सी टूटेगी, थोड़ी सी टूटती है। जब बर्फ जल में परिवर्तन होगा तो इसकी चतुष्फल की संरचना है वो थोड़ी सी टूटेगी, टूटेगी तो क्या होगा, इस बर्फ के जो जल के अणु है ना
उसके अंदर क्या होगा, एक अतिरिक्त अणु, एक अतिरिक्त अणु जो जल का अणु है वो इसको घेर लेता है, जल के अंदर उसको एक अतिरिक्त अणु क्या होगा घेर लेता है। ठीक है, अब जैसे क्योंकि जैसे बर्फ को हमें जल में बदलना है तो उसको ताप भी देना पड़ेगा ना, क्या देना पड़ता है, ताप देना पड़ता है। जैसे आप ताप को इंक्रीज करते जाते हो तो जगह और बनती जाएगी जल के अणु, एक अणु के पास में और अणुओं की संख्या बढ़ती जाए, ताप जैसे बढ़ाते हो वैसे अणुओं की संख्या बढ़ेगी, अणुओं की संख्या कौन सी जिसको एक अणु घेर के रखता है, एक अणु को घेरने वाले अणुओं की संख्या बढ़ती जाती है। दो फैक्टर दो कारक पर भी निर्भर करता है, पहला किस पर निर्भर करता है, उपसहसंयोजन संख्या पर, कितनी संख्याएं हैं एक अणु के को घेरे होने वाले अणुओं की संख्या, और एक दूरी, दो बंधों के मध्य की दूरी, दो अणुओं के मध्य की दूरी। ठीक है, अणुओं की संख्या भी बढ़ती है, इंक्रीज करोगे तो अणुओं की संख्या भी बढ़ने वाली है, साथ में अणुओं के मध्य की दूरी भी बढ़ने वाली है। जब आगे एक बात और देखते हैं, जब ताप क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस से कितना होता है 4 डिग्री सेल्सियस, तो सिर्फ एक फैक्टर एक कारक पर निर्भर करता है। एक फैक्टर किस पर कारक पर निर्भर करेगा, वो किस पर निर्भर करता है, सहसंयोजन संख्या पर निर्भर करता है। इसके दौरान क्या होता है, इसका घनत्व अधिकतम होता है। जब हम 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस 4 डिग्री सेल्सियस से लेते हैं, उसका जल का घनत्व अधिकतम होता है, और ये सिर्फ एक कारक उपसहसंयोजन संख्या पर निर्भर करता है। जब आप ताप को और अधिक बढ़ा देते हो 4 डिग्री सेल्सियस से, तो ये दूसरे कारक पर भी निर्भर करना स्टार्ट हो जाता है, किन के मध्य, अणुओं के मध्य की दूरी, मध्य की दूरी पर निर्भर। और तो आप बढ़ाते जाओगे अणुओं के मध्य की दूरी कम होती जाएगी, अर्थात घनत्व भी क्या होगा कम होता जाएगा। तो आप जैसे और अधिक बढ़ाते हो 4 डिग्री सेल्सियस से, जहां पर जल की अधिकतम घनत्व संख्या बड़ी थी, वही क्या हो जाता है 4 डिग्री सेल्सियस से आप और अधिक बढ़ाते हो, वहां पर घनत्व कम होने लगता है, अणुओं के मध्य की दूरी भी बढ़ने दूरी बढ़ी, दूरी बढ़ने के साथ में क्या होगा, इसमें हाइड्रोजन बंध टूट जाता है। जब दूरी इनके मध्य की बढ़ती है तो बंध टूट जाएगा, कौन सा, हाइड्रोजन बंध। ये सामान्य जल की भांति व्यवहार करेगा, किसकी भांति, सामान्य जल की भांति व्यवहार, ये क्या करेगा, हाइड्रोजन बंध टूट जाएगा, हाइड्रोजन टूट जाने के कारण ये सामान्य जल की भांति व्यवहार करेगा। ठीक है, इसके आगे हम बात करते हैं, तो इस प्रकार के जो जल के सहगुण हैं उसको जटिलता होगी समझाने में, इसके क्या कारण होता है, झुंड का नियम या झुंड का सिद्धांत आता है। तो हमारा अगला तीसरा सिद्धांत कौन सा होगा, झुंड का सिद्धांत, बात करेंगे झुंडों का मिश्रण। किसकी बात करने वाले हैं, हम झुंडों के मिश्रण की बात करने वाले हैं। देखिए होता क्या है, इसमें क्या होता है, जल के जो अणु होते हैं, जल के अणु, वे जो एकाकी अणु होते हैं, जल के अणु वे एकाकी अणुओं का क्या होता है, मिश्रण होता है। झुंडों का मिश्रण क्या होता है, किसका मिश्रण होता है, जल के अणु वे एकाकी अणुओं का ये मिश्रण होता है। ठीक है, अब जब इसमें आगे और बात करते हैं, देखिए जब हम जल के अणुओं की बात करोगे ना, तो उसमें विभिन्न प्रकार के जो अणु हैं, अणु है ना, वो किससे गिरे रहते हैं, चतुष्फलकीय
हाइड्रोजन बंध से। जब आप जल के अणुओं की बात करोगे तो उसमें विभिन्न प्रकार के अणु है वो चतुष्फलकीय हाइड्रोजन बंध से घिरे रहते हैं। उनके मध्य पाया जाएगा रिक्त स्थान। इसमें आ जाते हैं एकाकी अणु। कहते हैं कि जो जल के जो अणु है ना, मैंने क्या कहा कि जो जल के अणु हैं वो क्या करते हैं, एक चतुष्फलकीय व्यवस्था के अंदर हाइड्रोजन होता है ना, हाइड्रोजन परमाणु, वो क्या करता है, इसको चतुष्फलकीय रूप में हाइड्रोजन से घिरा रहता है, और इसमें रिक्त स्थान होते हैं जो एकाकी अणु होते हैं उसके अंदर चले जाते हैं, एकाकी अणु उसके अंदर क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है ना, हाइड्रोजन टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं, ये बंद है ना, हाइड्रोजन टूटते रहते हैं और बनते रहते हैं, और जो रिक्त स्थान के अंदर जो ये एकाकी अणु है ना वो भी क्या होते हैं, जब हाइड्रोजन बंध बनेंगे चतुष्फलकीय रूप में तो आ जाएंगे, और जब टूटते हैं तो ये क्या करेंगे, जब दूसरे अणु जो हाइड्रोजन चतुष्फलकीय हाइड्रोजन बना रहे ना उसके अंदर चले जाते हैं, ठीक है, उसके अंदर क्या होंगे, चले जाएंगे। अब देखिए जो इसकी जो झुंड रूपी संरचना है जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दी जाएगी, उस पर हम जब क्या करते हैं, दाब बढ़ाते हैं। जब दाब आप बढ़ाओगे ना तो झुंड के जो अणु है ना वो किसमें चेंज हो जाएंगे, एकाकी अणु में। झुंड के अणु किसमें चेंज होंगे, एकाकी अणु में चेंज हो जाएंगे, अर्थात कह सकते हैं उनका क्वथनांक बढ़ जाएगा। परंतु जो द्रव की जो संरचना है, जल की जो संरचना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, द्रव में नो चेंज। परंतु जब आप बात करते हैं जल की, किसकी बात करेंगे, जल की जब आप बात करोगे उसमें जब हम दाब को बढ़ाते हैं तो किसमें होता है, हिमाग में परिवर्तन, हिमाग न्यूनतम होता है उसमें, यानी हिमाग में क्या होती है, कमी आती है, जिससे वो किसमें चेंज हो जाता है, बर्फ में। जो हाइड्रोजन बंध है ना वो पिंजरे रूपी संरचना में परिवर्तन हो जाता है, पिंजरा रूपी संरचना में परिवर्तन हो जाएगा, अर्थात उसमें हो गया आयतन में कमी, और चेंज किसमें हो जाएगा, ये बर्फ में चेंज हो जाता है। जब जल पर आप दाब बढ़ाते हो, दाब बढ़ाने के अंतर्गत हिमाग में कमी होगी, जो हाइड्रोजन बंध है वो एक पिंजरे रूपी संरचना में आ जाएगा और इसके आयतन में वृद्धि होगी। परंतु यहाँ पर देखोगे जब दाब बढ़ाया जाता है तो इसमें होती है आयतन में कमी, क्या होगी, आयतन में यहाँ पर क्या हो जाती है, कमी होती है। तो ठीक है, आज आशा करते हैं आज का लेक्चर आपको अच्छी समझ में आया होगा। फिर भी मन के अंदर कोई डाउट्स रहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, आने वाली क्लास के अंदर उसका जरूर सोल्यूशन दिया जाएगा। लगातार पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, मिलते हैं आपको एक और लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।